हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू डीप टेक ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्टिकर्स के बारे में इफेक्ट्स, नए नए इफेक्ट्स देना सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे, बहुत चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों एग्जांपल्स में मैं जैसे कि आपको हिंट्स दे देता हूं कि आज मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप अपने स्टिकर्स की कलर कैसे चेंज कर सकते हो, नए नए अपने मुताबिक कलर कैसे दे सकते हो, और दोस्तों स्टिकर्स की जो होती है शेप कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब कि हॉट शेप में, रेक्टेंगल शेप में, जो भी शेप चाहिए आपको वो शेप में आप स्टिकर्स को ला सकते हो। और दोस्तों और कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं दोस्तों। जैसे कि आपने बहुत के स्टेटस वाले चैनल पे देखा होगा, जैसे कि जो स्टिकर्स होते हैं, मान लो ये गर्ल्स की स्टिकर्स है, ये बॉय की स्टिकर्स है, ये दोनों ज्वाइन है दोस्तों, और वीडियो जब चलती है तो दोस्तों ये दोनों अलग भी हो जाते हैं, एक साथ जुड़ भी जाते हैं। तो दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हो, कैसे इसको बना सकते हो, एडिटिंग कैसे सीख सकते हो, तो इस वीडियो में आप सीख जाओगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है दोस्तों, और यही नहीं और भी चीज सीखेंगे इस वीडियो में स्टिकर्स के ही बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर दोस्तों आप एकदम अच्छे से पूरे एकदम सीख जाओगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें काइन मास्टर की जरूरत होगी, तो काइन मास्टर आप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। तो हम काइन मास्टर की तरफ बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे स्टिकर्स मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो जो एडिटिंग की है वो सब सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऐसा एडिटिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत चीजें वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सिंपली आ जानी है काइन मास्टर पे, और काइन मास्टर पे जैसे ही आप आते हो तो एम्प्टी प्रोजेक्ट में चले आना है। और जैसा कि आप लोगों को दोस्तों काइन मास्टर से तो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनानी आती ही होगी, आप सभी को आती ही होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम क्या पहले बैकग्राउंड लिए हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में तो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना कर तो नहीं बता सकता, पर इस वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए जैसे कि एक बैकग्राउंड लेके वाइट कलर का ये जो मैंने बैकग्राउंड लिया है इस पर ही मैं बना करके आपको समझा सकता हूं और सिखा सकता हूं कि आप कैसे नए नए स्टिकर्स को डिजाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में अच्छे से एकदम सीखने को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़ यार, क्योंकि यार तुम्हारे लिए ही इतनी मैंने देरी की वीडियो बनाई, इतनी 10-12 मिनट की वीडियो तो बन ही चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको कोई स्टिकर्स ही चुननी होगी क्योंकि आपको स्टिकर्स ही डिज़ाइन करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो स्टिकर्स चुनेंगे उसमें हम आपको क्या बताएंगे, हम इसमें आपको बताएंगे कि आप स्टिकर्स की कलर कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों स्किप नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि मैंने और सब जो है नंबर उसमें मैंने अलग अलग टिप्स बताए हैं कि आप स्टिकर्स को कैसे अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें मैंने कलर चेंज करना बताया, उसमें मैंने कट बताया, किसी में मैंने शेप चेंज करना बताया। तो दोस्तों लास्ट तक देखना वीडियो, समझ जाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे नीचे में कलर लिख दिया क्योंकि इसमें मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हो अभी जो मैंने ये कलर चेंज किया, ये आप काफ़ी के व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो में भी देखते होंगे कि ऐसा कलर होता है, पर दोस्तों मैं इसमें कुछ और ही कलर देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, मैंने काफ़ी कलर चेंज करके दिखाया पर ये कुछ ज़्यादा बेटर लग रही है, तो ये मैं रहने देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसे कलर दे सकते हो। तो मैं हर एक के लिए अलग अलग कलर दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो यहां पे आप देख सकते हो जो कलर एडजस्टमेंट है, तो यहां पे आप जाकर के अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों एकदम अच्छे से परफेक्टली। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है, कितनी लाइट देनी है, कितनी ब्राइटनेस लेनी है, तो ये सब आप जानो दोस्तों, आपको जैसी अच्छी लगे। ठीक है, तो ये तो आप जान ही गए हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम आपको दोस्तों बताते हैं कि आप लोग जो होती है अपने फोटो को, अपने स्टिकर्स को जो है दोस्तों शेप में कैसे ला सकते हो, मतलब अलग अलग शेप कैसे दे सकते हो, और ये संभव है दोस्तों, और ये आप कैसे कैसा शेप दे सकते हो। मैंने तो बताया ही था फर्स्ट में इंट्रो में कि आप लोग हॉट शेप, रेक्टेंगल शेप जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को दे करके दिखाऊँगा एकदम नए नए शेप। तो दोस्तों मैं एक हॉट की शेप दिखाऊँगा, दिल की शेप, और भी बहुत कुछ दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये एक हो चुका है, और ये मैंने दो इमेज ले लिया क्योंकि दोस्तों मैं दो इमेज से आपको बताऊंगा, दो स्टिकर से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आपको सिंपली उसी इमेज पे, उसी स्टिकर्स पे क्लिक करनी है, उसके बाद आपको शेप में आ जानी है।
यानी कि आपको क्रॉप में आ जानी है। उसके बाद आप आराम से सेब कोई भी चुन सकते हो, जैसे मैंने ये हॉट वाली सेब चुना है, तो इसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ वहाँ हिला करके देख सकते हो, सेब में आ जाएगी। और इसे में भी मैं हॉट सेब में ही देना चाहूँगा दोस्तों। आप चाहो तो इसे सर्कल भी दे सकते हो, जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, स्टार सेप भी दे सकते हो। तो दोस्तों मैं इसे हॉट सेप ही रहने देता हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है अपने जो होते हैं कलर, जो होते हैं कलर चेंज करना जान गए हो और सेप भी जान गए हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मोशन कट स्टिकर्स। यानी कि दोस्तों आप लोग को मैंने बताया ही था इंट्रो में कि आप लोग जो है दोस्तों, वो जो मोशन होती है, आप लोग बहुत के स्टेटस वीडियो पे देखे होंगे कि किसी की मोशन से मोशन होती है स्टिकर्स में, और किसी की स्टिकर्स कट जाती है, ज्वाइन हो जाती है, तो वो काफ़ी बेटर लगती है स्टिकर्स, और व्हाट्सएप स्टेटस भी काफ़ी बेटर बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसा ही कर लेना है, और ऐसा ही करना है दोस्तों, जिसकी भी आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे देखो आप पहले स्टिकर्स चुन लो, उसके बाद देखिए दोस्तों मुझे इसकी कटिंग करनी है, तो इसी पे मैं क्लिक करके इसकी मैं डुप्लीकेट निकाल लूँगा दोस्तों। जैसे ही डुप्लीकेट निकाल लूँगा तो एक पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो आप नहीं आओगे क्योंकि ये फुल स्क्रीन में हो जाएगी, आपको सिंपली क्रॉप में ही वापस आ जानी है। और उसके बाद आपको देखिए दोस्तों क्रॉप इनेबल करके ये जो स्क्वायर शेप में है उसे आप इनेबल कर दो। उसके बाद आप इसे रिक्टेंगल शेप में आराम से जितनी आपको काटनी है उतनी काट दो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी इमेज को भी वैसे ही करो, अलग अलग साइड से काट दो, जैसे कि ये मैंने काट दिया। और ये दोनों फ़ोटो दोस्तों अलग अलग हो चुके हैं, मतलब दोनों स्टिकर्स अलग अलग हो चुके हैं। और आप इसे चाहो तो इसे एनिमेशन में जा कर के कट, इसे एनिमेशन में जा कर के एनिमेशन दे सकते हो, तो वो आप दोगे तो ये हटेगा, आएगा जाएगा, दिल जो है यहाँ वहाँ करेगा, मोशन करेगा, तो वो ज़्यादा बेटर भी लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह मैं सिमिलरली इसी इमेज में भी मैं ऐसा ही कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों इसमें भी मैं वैसा ही कर देता हूँ, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम जो वीडियो को चलाएंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग हो चुका है, और जो हम वीडियो को दोस्तों चलाएंगे तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों एनिमेशन में आपको आ जाना है, और यहाँ से आप आराम से कोई भी एनिमेशन दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखो सीख जाओगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे जो मेरी फर्स्ट इंट्रो थी उसमें मेरी थोड़ी वॉइस ख़राब हो गई थी कुछ कारणों की वजह से, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपके लिए दूँ। तो दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोग रिकमेंड करो, नीचे में कमेंट्स करो, तो मैं इसकी दूसरी पार्ट भी बना दूंगा जल्द ही। क्योंकि दोस्तों ये अगर मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में बताता रहा तो ये वीडियो जो है दोस्तों वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं रहेगी। तो उतनी भी लंबी नहीं चाहिए, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ये तो 12 मिनट के लगभग में है, तो दोस्तों वो काफ़ी बड़ी हो गई, तो उतनी बड़ी तो चाहिए नहीं। तो चलिए दोस्तों हमने ये भी कर चुका है, और देखिए यहाँ पर जो मोशन हो रही है ये आप लोग देख ही पा रहे हो, ठीक है। और दोस्तों हमने जो ये 30 सेकेंड का बैकग्राउंड लिया था उस हिसाब से हमारी जो है स्टिकर्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसे आप बड़ा कर दो, या फिर आप इसे कोई और एनिमेशन दे सकते हो जो हमने अभी बनाया था। तो एक इसकी मैं डुप्लीकेट निकाल करके यहाँ पे स्लाइड करके लगा देता हूँ, और दोस्तों इसकी मैं एक और जो साइड की है बॉयज़ वाली वो मैं डुप्लीकेट करके ले लेता हूँ, और इसकी भी मैं एक नई एनिमेशन बना देता हूँ। इसे मैं बीच में ले आता हूँ, और बीच में लाने के बाद इसकी मैं जो है साइज वो बड़ी कर देता हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आए और आप लोग भी नए नए खुद से भी जो है एनिमेशन दे सको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि मैं अब एनिमेशन देने जा रहा हूँ, आप लोग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन दे सकते हो, वो भी दोस्तों आप खुद से ही एनिमेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख करके सीख रहे हो दोस्तों कि आप लोग कौन कौन एनिमेशन दे सकते हो, और यहाँ पर मैंने ये अप स्लाइड अप और डाउन वाली दिया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही बेटर लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये कलर चेंज है, तो
ये काफ़ी बेटर भी लग रहा है दोस्तों, और कलर भी काफ़ी फाइन लग रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सब कलर आपको नेट पे नहीं मिलेगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको खुद से ही बनानी पड़ेगी। और दोस्तों ऐसे एक ही फ़ोटो, एक ही कलर की फ़ोटो आप बार बार बना करके भी परेशान हो जाते होंगे कि यार अब नहीं लानी पड़ेगी, तो आप यार कुछ डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंट दे सकते हो अपने वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप आराम से अलग अलग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हो, आपको भी लगेगा कि ये डिफरेंस है, लोगों को भी यूनिक लगेगा, पसंद आएगी आपकी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे ऐसे बना सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो अभी एक ये जो स्टिकर्स लिया हूँ, इसमें मैं दोस्तों जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो इफेक्ट्स आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, 10.25 मिनट की हो ही गई है लगभग, तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये जो इफेक्ट्स मैं दे रहा हूँ ये दोस्तों आपको अगली वीडियो में पता चलेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग इफेक्ट्स देख पा रहे हो दोस्तों, और मैं अच्छे से आप लोग को इफेक्ट्स दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कौन कौन इफेक्ट्स दे रहा हूँ। तो ये जो इफेक्ट्स है दोस्तों, इसकी नाम मैंने दी है स्टिकर्स डांसिंग इफेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टिकर्स है ये डांस भी कर सकता है, ये ऐसे कुछ इस तरह, तो ये अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करता है दोस्तों, डांस करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इसका स्टिकर्स डांसिंग इफेक्ट्स रख दिया है नाम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं पार्ट 2 निकाल दूंगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक कमेंट्स कर देना है, कमेंट्स करो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों और बताना ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, यानी कि इसकी पार्ट 2 चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मैं इस कारण आपके लिए वो वीडियो बना दूँ। और दोस्तों अगर वो वीडियो बन जाएगी, अगर ये वीडियो आप बाद में ही देख रहे हो, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ यार लाइक कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी निकाल सकूं, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो भी निकाल सकूं। तो यार सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।